नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग इस चक्कर में परेशान रहते हैं दोस्तों कि हमारी स्किन कैसे गोरी हो। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को धूप में रहना पड़ता है, इसकी वजह से टैनिंग हो जाती है। इसलिए हालांकि उनका नेचुरल कलर अच्छा होता है, बट वो धूप में रह करके या फिर पोल्यूशन की वजह से बाहर का काम करते हैं, फील्ड वर्क, इस वजह से स्किन डार्क हो जाती है या फिर उतनी अच्छी स्मूथ नहीं रहती जैसी होनी चाहिए, जैसी और लोगों की होती है। तो उसके लिए वो परेशान रहते हैं कि आखिर क्या करें, कैसे करें अपनी स्किन को हेल्दी एवं चमकदार। इसीलिए हम आज ये औषधि लेकर के आए हैं दोस्तों, ये नुस्खा लेकर के आए हैं जो आपकी स्किन को बेहद चमकीली और गोरी बना देगी। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए वो दूध, नमक, नींबू और एक कॉटन रख लीजिए या फिर कोई सूती कपड़ा रख लीजिए। सबसे पहले आपकी स्किन अगर ड्राई है, आप ड्राई स्किन वाले हैं, तो आप दूध का इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ दोस्तों, दूध को फेस पर लेकर के अच्छे ढंग से पहले मालिश कीजिए। ढंग से आठ के, जैसे आठ बनती है, आठ की आकृति होती है, उस आकृति में आप फेस पर लगाइए उसको। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर मालिश करते हैं आप दूध लेकर के फेस पे, तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, दूध को सूखने देना है। जब दूध अपने आप सूख जाए तब आप हल्के हाथों से, अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो बहुत कम नमक लेकर के, या फिर नमक को पानी में हल्का घोल करके और उस पानी को दूध पे मल दीजिए हल्का हल्का कॉटन से। इसके बाद उसको सूखने दीजिए, फिर आप उसको पानी से धो लीजिए या फिर धोने की बजाय नींबू को काट लीजिए और नींबू से उसको रब कीजिए, स्क्रब कीजिए, वो छूट जाएगा। फिर सूखने के बाद उसको धो लीजिए। इस प्रकार से अगर आप लगातार एक महीने तक करते हैं दोस्तों, तो आपकी स्किन बेहद हेल्दी, चमकीली और दर्शनीय बन जाएगी, सुंदर बन जाएगी। हाँ, इसके साथ साथ कई लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों कि उनके फेस पर पिंपल्स होते हैं। अब उनको कैसे दूर करें? पिंपल्स तो चले जाते हैं पर उनके दाग जो होते हैं वो नहीं जाते हैं, या फिर ब्लैक हेड्स आ जाते हैं वो नहीं जाते हैं। उनको दूर करने के लिए क्या करना है आपको? अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्या करना चाहिए? दूध से सबसे पहले मालिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी स्किन ऑयली हो तो क्या करना है? तो नमक जो है वो स्किन को ड्राई करता है, तो ऑयली स्किन वाले पहले नमक को फेस पर रब कर लें हल्का हल्का। इसके बाद आप उसके ऊपर से दूध लगाएं, फिर नींबू से छुटाएं उसे, ये ज़्यादा आपके लिए कारगर साबित होगा। दोनों ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको नमक पहले लगाना है, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको दूध पहले लगाना है, उसके बाद नमक हल्का लगाना है। हाँ, जिनकी स्किन ड्राई है उन्हें दूध की मात्रा ज़्यादा लगानी है, नमक कम लगाना है। जिनकी स्किन ऑयली है उन्हें नमक ज़्यादा लगाना है, दूध कम लगाना है। अब ब्लैक हेड्स को कैसे हटाएं, इस बारे में सोचते हैं दोस्तों। अगर आपके जैसे नोज़ के आसपास, खास करके बहुत सारे लोगों को नोज़ पे या नोज़ के आसपास ब्लैक हेड्स आ जाते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप नमक पूरे फेस पे या फिर नाक के आसपास, जहाँ भी ब्लैक हेड्स हैं वहाँ नमक से मसलिए, यानी कि मालिश कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ध्यान रखना चाहिए कि नमक बहुत ज़्यादा देर तक फेस पे नहीं रहना चाहिए, ऑयली स्किन है तो थोड़ी देर तक चलेगा। नमक बहुत ड्राई होता है इसलिए उसको 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, आप कम ही रखें उससे भी तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नमक जब तक सूख जाए तब तक सूखा होता ही है, उसको थोड़ा गीला कर लीजिए पानी से, उसको रब कीजिए फेस पर अच्छे से। इसके बाद रब करने के बाद क्या करना है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऑलवेज याद रखें कि उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, नमक अगर आप फेस पर लगाते हैं तो ज़रूर धोने के बाद लगा लीजिए। अब कॉटन से आप पहले जहाँ जहाँ भी ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पर नमक लगा लीजिए, नमक से मर्ज कर लीजिए, यानी कि नमक से रब कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप नींबू उस पर रगड़िए, फिर उसको आसानी से तौलिए से पोंछ लीजिए। इस प्रकार से अगर आप लगातार करते हैं एक महीने तक, तो आपके ब्लैक हेड्स गायब हो जाएंगे दोस्तों और आपकी स्किन बेहद हेल्दी एवं खूबसूरत बन जाएगी।
तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आपके लिए लेकर आए थे बेहद ही बेहतरीन, यानी कि आपकी स्किन को गोरी करने वाली औषधि। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।